इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में होंडा कंपनी भी अपना हाथ इसमें आजमाना चाहती है। होंडा ने रिसेंटली अपनी योगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए इंडिया में डिजाइन पेटेंट फाइल कराई है। फटाफट इस स्कूटर के बारे में बात करते हैं, तो ये दो वेरिएंट्स में आती है। एक इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है जो कि 1200 वाट की पावर प्रोड्यूस करता है, 53 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, और दूसरा इसका लाइट वेरिएंट है जहां पर हमें 800 वाट की पावर मिलती है, 43 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, और इन दोनों ही वेरिएंट्स में हमें 65 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बट हाँ, यहाँ पर ड्यूल बैटरी का भी ऑप्शन है, और ड्यूल बैटरी के साथ ये दोनों वेरिएंट सिंगल चार्ज में अप टू 130 किलोमीटर का रेंज कवर कर सकती हैं। ये दोनों ही वेरिएंट्स काफ़ी लाइट वेट हैं, करीब 83 केजी इनका वेट है। अब हाँ, ड्यूल बैटरी वेरिएंट में इनका वेट डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए इंडिया में डिज़ाइन पेटेंट फाइल कराया गया है। हो सकता है अगले साल यानी कि 2023 तक इनकी यूगो इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च हो जाए। वैसे इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या होगी ये हम नहीं बता सकते, बट हाँ, चाइना में इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइसिंग है लगभग 93,000 रुपीज़ INR रुपीज़, और इसके लाइट वर्जन की प्राइसिंग है लगभग 87,000 रुपीज़। तो इंडिया में अगर ये स्कूटर इस प्राइस पे लॉन्च होती हैं तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी, क्योंकि इंडिया में हमें इससे कम प्राइस पे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं।